चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने मौकाए वारदात की फुटेज मिलने की पुष्टि की है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक सफेद एसयूवी वर्णिका की गाड़ी का पीछा कर रही है, जिसे विकास बराला चला रहा है। इस फुटेज के सामने आने के बाद विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार पर लगे आरोप और मजबूत हो गए हैं। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी पर लगी धाराओं को बदल दिया गया था, जिसके बाद पुलिस पर लापरवाही बरतने और महिला सुरक्षा पर ध्यान न देने के आरोप लग रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी चंडीगढ़ प्रशासन से मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि हरियाणा के सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी वर्णिका कुंडू का आरोप है कि विकास बराला और उनके दोस्त आशीष ने नशे में धुत होकर उनकी कार का पीछा किया। वर्णिका की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विकास और आशीष को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने बताया कि जहां छेड़खानी हुई वहां से 5 सीसीटीवी कैमरे से फुटेज गायब है, जिसके बाद पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लग रहा था। डीएसपी सतीश कुमार द्वारा जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया था कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को बरामद कर लिया है और अब सीसीटीवी की फुटेज से वर्णिका के आरोप सिद्ध हो गए हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।